दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का DFCCIL इलेक्ट्रिकल के प्रिपरेशन में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे DFCCIL के लिए कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे मेरे भाई, और उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन जो आपके पेपर में मेरे भाई जो देखने को मिलता है। तो आइए लगा लेते हैं मेरे भाई ताबड़तोड़ इस सवाल को, ठीक है। इस छोटे से वीडियो को मेरे भाई जरूर देखना, पूरा देखना। पूरा देखने के बाद आप खुद कहोगे मेरे भाई कि ऐसे सवालों को मैं तो कच्चा चबा के खा जाऊँगा, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं DFCCIL के मेरे शेर जवाब। आओ पहले समझते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर मेरे भाई बस शॉर्ट कट में बताऊंगा। आउटपुट अपान इनपुट होता है। आउटपुट अपान क्या होता है भैया? इनपुट होता है, लेकिन लाप्लास मतलब आउटपुट का भैया लाप्लास निकाल दो, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट का लाप्लास मेरे भाई निकाल दो, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या कहलाएगा भैया? जल्दी बोलो, ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे भैया लिख दिया, ये हो गया भैया GS, ठीक है। इसका इनपुट जो है यहाँ पे मैंने लिखा RS है, और आउटपुट को मैंने मान लिया यहाँ पर CS मान लिया। तब भैया आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे CS बाई RS, ठीक है। ये लाप्लास में होता है, ठीक है। टाइम डोमेन में जो दिया होगा उसका आप जो है लाप्लास निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर कहोगे CS बाई RS का भैया मान क्या होगा? बोलोगे GS होगा, ठीक है। तो मेरे भाई इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मेरे भाई कभी कभी जो है पूछ देता है कि ट्रांसफर फंक्शन का डिफिनेशन ही पूछ देता है, तब क्या बोलोगे? आउटपुट अपान इनपुट, और दोनों का भैया क्या होगा? जल्दी बोलो, दोनों का लाप्लास रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं भैया एक बात और, ध्यान सुनना। जैसे मान लो तुम्हारा जो R है, ठीक है, तो R का लाप्लास भैया जो R ही लिखना, ठीक। R का जो लाप्लास ट्रांसफर भैया है R ही लिखना, लेकिन मेरे भाई यदि इंडक्टर आता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफर जो है भैया आप क्या लिखोगे? LS लिखना। क्या लिखोगे भैया? LS लिखोगे। अब जैसे मान लो आपके सामने यदि C आता है, क्या आता भैया? कैपेसिटर आता है, तो आप लिखिएगा इसका हो जाएगा 1/SC होगा। मेरे भाई ये सवाल लगाने में आपको जो है टाने की तरफ फायदा करेगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने भैया एक सवाल जो है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भैया इनपुट वोल्टेज हो गया VI, ठीक है, और एक हो गया रेजिस्टेंस, इसका मान हो गया R1, और ये हो गया भैया R2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक जो है मैंने इंडक्टर भी लगा दिया, लेकिन मेरे भाई चाहे यहाँ पर इंडक्टर लगाओ चाहे आप जो है कैपेसिटर लगाओ, कोई भी मेरे भाई लगा सकते हो। चलो यहाँ पर पहले शुरुआत करते हैं लगा के कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आप लोग भूलते हो। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है, ये हो गया भैया V0 हो गया, ठीक। यहाँ पे टाइम में दिया है, ये भी भैया क्या है? टाइम में दिया है। मान लो, अब मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने यदि मिलेगा ना मेरे भाई, तो आप इसको चुटकियों में लगा लोगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भाई हम लोगों को समझना भी है, लेकिन जो मेरे भाई चाहते हैं कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ एक मिनट के अंदर, तो देखिए वो लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पर लगाएंगे भैया क्या? KVL लगाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें KVL लगाओ, और फिर उसके बाद मेरे भाई जो इसके साथ जो लगाओ KVL लगाओ, तो आउटपुट आएगा, इधर इनपुट आएगा भैया, फिर आउटपुट और इनपुट का रेशियो कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान सुनना, यहाँ पर पहले जो है लिखते हैं इसका लाप्लास करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे भाई विधिवत समझ लो, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ आप लोग खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पर R2 है, R2 को छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि उसका भी R होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा भैया, बोलो, यहाँ पर हो जाएगा 1/SC हो जाएगा, और ये मेरे भाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए इनपुट नहीं है, ये हो गया आउटपुट हो गया भैया, ठीक है, V0 हो गया, यस कर दो यहाँ पर, और यहाँ पे कर दो VI कर दो, ठीक है मेरे भाई, ये रफ टाइप हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या, बोलो, KVL लगाएंगे। तो बच्चा बच्चा जानता है भैया कि VI बराबर क्या होगा, बोलो मेरे भाई, VIS बराबर क्या होगा? तो बोलोगे जैसे मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है IS, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे IS इंटू R, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? IS इंटू R, ये तुम्हारा क्या है? यस क्या भैया? लाप्लास को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा चूंकि 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे प्लस, ठीक है, IS इंटू क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, R2 होगा, फिर इसको ब्रैकेट में लिखो। और ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, देखो दो लोग हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा IS, ठीक है,
ये हो जाएगा भैया क्या 1/SC। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, मिल रहा है IS कॉमन मिल रहा है करंट, तो ये हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा भैया। देखो उसके बाद हो जाएगा 1/SC हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान सुनना, इसके बाद जो है आपका इतना बात आ गया ना, आप चाहो तो LCM भी ले सकते हो, ले लो भैया। यहाँ पे हो जाएगा IS कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो LCM ले लो भैया, SC हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, और इसको एक ही में लिख दो SC, क्योंकि दोनों में गुणा होगा, ऐसे कर दो, यहाँ पे कर दो +1। ठीक है, ये आपका पूरा व्यवस्था बन गया। ठीक, एक बार मैंने क्या किया, VI के रिस्पेक्ट में जो है पूरा जो है KVL लगाया मैंने, आराम से मेरे भाई समझदार हो, KVL लगा करके VI का मान निकाल लो। अब देखो इसके बाद जो V0 मतलब आउटपुट का निकालो, यहाँ पर इसका निकालो, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, तो यहाँ पर कहेंगे क्या, बोलो मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा V0 बराबर, ठीक है, या बोलो कि इसका जो वोल्टेज होगा इसके बराबर होगा भैया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, V0S कर दो यहाँ पर। ठीक है, क्या कहोगे भैया, यहाँ पे हो जाएगा IS इंटू क्या होगा R2 होगा इसमें, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा IS, ठीक है, हो जाएगा 1/SC हो जाएगा। ठीक है भैया, अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या होगा, जवाब आएगा IS, जब मेरे भाई जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा R2 + क्या होगा भैया 1/SC हो जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ पर जो LCM ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा IS, ठीक है, जल्दी मेरे भाई लो LCM, तो हो जाएगा SC हो जाएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तब जवाब हो जाएगा R2 × SC हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आ गया, तो कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है VO का भी मान निकल आया, आउटपुट वोल्टेज का भी मान निकल आया, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो मुझे निकालना क्या है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो क्या होता भैया, आउटपुट अपान इनपुट होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो मेरे भाई, ठीक है, जुकाम मेरे भाई हुआ है, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हो जाएगा V0 हो जाएगा, आउटपुट लिख दो भैया, और यहाँ पर लिख दो, ठीक है, VI कर दो, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और उसके बाद नीचे पुट कर दो इसका मान, तो हम लोग लगाएंगे ताबड़तोड़। देखो जब इसको जब लिखोगे यहाँ पर, तो ये देखो कट जाएगा, ये वाला जो कट जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला जुला के मेरे भाई आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो हो जाएगा R2 SC हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तो तुम्हारा कट जाएगा नीचे नीचे, और ये हो जाएगा भैया R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा SC, और ये हो जाएगा भैया +1। ठीक है मेरे भाई, ये आपका जो है पूरा निकल आया DFCCIL के मेरे सिरेबाज, ये आपका जो आंसर हो चुका है। लेकिन मान लो आपके विकल्प में ऐसे मैच नहीं कर रहा है, तो तब मेरे भाई विकल्प के अनुसार आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जो है R2 और C को कुछ माना होगा, T1 T2 कुछ मानता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि R2 C बराबर जो है मेरे भाई मान लिए T1 मान लिए, ठीक है, और यहाँ पर R1 + R2, ठीक है, R1 + R2 × जो C बराबर मान लिए भैया जो है T2 मान लिए। ठीक है, ये भैया व्यवस्था हो रही है ब्लॉक डायग्राम के लिए। तब मेरे भाई इसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, यहाँ पर बोलोगे T1S बोलोगे, +1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा T2S +1 होगा मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान सुनो, यहाँ पर चाहे ऐसे लिखो, चाहे मेरे भाई इसको ऐसे लिख दो 1 + T1S / 1 + T2S, मेरे भाई ये आपका जो है बन गया एकदम खोवा वाला, ठीक है, चोखा वाला। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यही आपका जो उत्तर हो गया, आपको बनाना है यदि ब्लॉक डायग्राम, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है, अंदर इसको जो लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 + T1S, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + T2S, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, यहाँ पर हो जाएगा VIS, और यहाँ पे हो जाएगा भैया V0S हो जाएगा। ये आपका जो है पूरा, यदि आपके पेपर में यहाँ तक आता है मेरे DFCCIL के शेर जबाज, तब आप इसको टिक करोगे। यदि मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू माना है, अल्फा बीटा कुछ ही मान सकता है, तो मान लो यहाँ पर T माना गया है, ठीक है, R2, ठीक है, R2 C बराबर जो है, आप लोग विकल्प को देखिएगा, अरे हमारा उत्तर तो ये आया है, ये यहाँ पे लिखा, अच्छा इसका मान ये माना है, ऐसे मान के आप लोग क्या करेंगे, उसको कच्चा चबा के खा जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखोगे, एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है, अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा। रुकिए, अभी एक सवाल मेरे भाई और बताना है, और एक सवाल मेरे भाई मैं आपको दूंगा,
और उसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है मेरे भाई। आपके पेपर में ट्रांसफर फंक्शन से मेरे भाई आता है, कंट्रोल सिस्टम से। आप लोग जो है DFCCIL के मेरे शेर जवाज हैं, आप लोग पेपर की तैयारी मेरे भाई कर रहे हैं, तो भागिए नहीं, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन का जो है ताबड़तोड़ रिवीजन, ठीक है। इसको मेरे भाई जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। DFCCIL के मेरे सिरजबाज, देखो आप लोगों के सामने भैया एक क्वेश्चन और लिख दिया गया, ठीक है। अब मेरे भाई देखो आपके पेपर में ज़्यादा जो है इस टाइप के हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, नॉर्मल रहेंगे मेरे भाई, लेकिन आपको लगाना होगा। देखो भैया अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ताबड़तोड़ लगा देंगे, ठीक है भैया। यहाँ पर लिखेंगे वी नॉट का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भैया जो है यस कर दो, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर जो बदल सकते हो, ठीक है, इसका क्या होगा भैया, आर ए होगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/SC हो जाएगा, ठीक है, जानते हो। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वी नॉट का मान भैया क्या होगा, जल्दी बोलो, यही ना होगा, इसका वोल्टेज होगा भैया, तो हम लोग बोलेंगे, बोलो भैया 1/SC हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा IS, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनपुट का मान निकालना है, VI का मान मेरे भाई, तो यहाँ पे कहोगे, देखो यहाँ पे ऐसे जाओगे KVL में, तो यहाँ पे हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है, R प्लस 1/SC, और मेरे भाई ये हो जाएगा IS का मान, ठीक है। ये आपका लग गया ताबड़तोड़, करना कुछ नहीं है, मतलब आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोग मेरे भाई इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज हो, बस केवल एक बार जो यहाँ पर मसाला ले लो, ठीक है, उसके बाद तो सवाल आएगा ना, तो आप लोग जो अपने हिसाब से जो है लगा लोगे, मतलब कुल मिला जुला के इनपुट VI का मान ऐसे निकालना, ठीक है, और इसका मान मेरे भाई ऐसे निकालना, और उसके बाद V0/VI जो है मतलब आउटपुट अपन इनपुट कर लेना, ठीक है। तो देखो मेरे भैया ये तुम्हारा कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, 1/SC बचेगा भैया, और यहाँ पर देखो LCM ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा RSC हो जाएगा प्लस 1 अपान क्या होगा भैया, SC हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये वाला देखो कट जाएगा, राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा, ये तुम्हारा कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचा भैया, 1/, ठीक है, RSC प्लस 1 बचा। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिखो RSC, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब चाहो तो इसको भी कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन जाने दो, आपके हिसाब से मेरे भाई ये जवाब हो गया। और आप जो विकल्प में जरूर देखिएगा कि ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, मैच करेगा मेरे भाई, कंट्रोल सिस्टम मेरे भाई चल रहा है ना, आप लोग जो इसको जो मैच करा करके अपने विकल्प के अनुसार कच्चा चबा के मेरे भाई खा जाइएगा, ठीक है, आया ना मेरे भाई। अभी रुको एक सवाल और मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग मेरे भाई उसको लगाइएगा, रुको रुको लगाना भी है आपको, और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। DFCCIL इलेक्ट्रिकल के मेरे शेरजबाज, ये देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, लेकिन रुकिए मैं इस सवाल को लगाऊंगा, आप टेंशन ना ले मेरे भाई। देखो तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पेपर में आ गया, इसको मैं पूरा तरह से नहीं लगाऊंगा, मैं उसको जो तुरंत देखूंगा, अच्छा आउटपुट अपन इनपुट होता है, तो मैं क्या कहूँगा भैया, यहाँ पर लिखूँगा डायरेक्ट V0, ठीक है, यहाँ पे मेरे भैया यस कर दो, क्यों, क्योंकि लाप्लास होता है, तो उसके बाद क्या होगा भैया, इसका वोल्टेज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, IS इंटू क्या होगा भैया, 1/SC हो जाएगा, ठीक, I इंटू R से, ठीक है मेरे भाई। अच्छा देखो अब इसके बाद जो इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, RB है, LB है, और क्या मेरे भाई CB है, तो R का मेरे भाई R ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, SL हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा भैया 1/SC होगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम लोग क्या कहेंगे भैया, IS कर देंगे, ठीक है, I हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे R प्लस यस इंटू, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे यल, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई यल है ना, तो यल का क्या होगा, SL हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/SC हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, करना कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पर इसको काटिए पहले, उसके बाद आप जानते हो कि देखो यहाँ पर पहले LCM ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/SC, अभी मेरे भाई इसको काटो मत, ठीक है, अभी यहाँ पर LCM लो, तो LCM जब लोगे मेरे भाई SC हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो क्या होगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा RSC हो जाएगा, और ये हो जाएगा यस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई LC हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसको आप जो है राम नाम सुहा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1/, ठीक है। अब देखो पहले दो पावर लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा यस स्क्वायर, ठीक है, LC हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया यस RC हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये लिखा है LC को पहले लिखा है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/LC, ठीक है मेरे भाई, यस का स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे लिखना RC इंटू यस कर देना, प्लस मेरे भाई 1 कर देना, ठीक है। ये आपका जो है निकल के आ गया ट्रांसफर फंक्शन, मेरे भाई कंट्रोल सिस्टम चल रहा है और आप लोग जो है पढ़ रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन,
यमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस पे मेरे भाई, और आप मेरे इलेक्ट्रिकल के शेर जवाज हैं, इसको मेरे भाई जो कच्चा चबाकर खाने वाले हैं, ठीक है। और आप मेरे भाई जो DFCCIL इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव का मेरे भाई जो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, आप लोग जो है पेपर में मेरे भाई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो कच्चा चबा के मेरे भाई आना, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई इसका पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है। तो मेरे भाई आप लोग पढ़ते रहिए, हम फिर लेकर आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।